इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सराफा कारोबारी राहुल शुक्ला पर कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में जहां पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया, वहीं फरियादी ने अपने सगे चाचा पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही इसे लेकर फरियादी के चाचा ने अपने भतीजे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। पूरा मामला इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र का है। सराफा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सराफा कारोबारी राहुल शुक्ला पर दो बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने तकरीबन 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना की जानकारी लगने के बाद फरियादी राहुल शुक्ला ने अपने चाचा जो कि रिटायर्ड पुलिस कर्मी है उन पर और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा हमला कराए जाने की बात कही। साथ ही फरियादी राहुल शुक्ला ने संबंधित पक्ष पर आरोप लगाए थे कि जो उनके चाचा हैं, उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी और उनकी दोनों बेटियों को मुस्लिम वर्ग के युवकों के सुपुर्द कर शोषण करने की धमकी दी थी। उसी के चलते यह हमला करवाया गया। जब फरियादी के चाचा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी संतोष शुक्ला को इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने आज मीडिया के सामने आकर तमाम आरोपों को नकारते हुए कहा कि हमारा पिछले काफी सालों से पारिवारिक विवाद चल रहा है और जिस तरह से उनके भतीजे के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद है। उनका कहना है कि हम इस पूरे मामले की जांच को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे मामले की जानकारी भी देंगे। साथ ही जिस रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर आरोप लगे उनका यह भी कहना है कि उनके भतीजे के कई महिलाओं के साथ संबंध है और वह हमें बदनाम करने के लिए इस तरह के गलत आरोप लगा रहा है। भैया वो मेरी पोतियां हैं, पोतियां हैं, पोतियां का मतलब समझते हो, ब्याज है उन्हें। मेरी भी एक पोती है, वो भी दो ही मेरी पोती है। वो कभी उनसे पूछ लो ऐसी कोई बात होगी, मैं अपनी पोतियों के बारे में, वो मेरी बच्चियां हैं, वो मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे पास वो इनसे ज्यादा मेरे पास रहती थी, मेरे झूठ आरोप है। और ये खुद व्यक्ति अपराधी है, इसने आप अगर इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो ये इसका बाप अशोक शुक्ला जो है ये मल्लारगंज थाने को जलाने गए थे। ये चोरी के केस में बंद हुआ था, ये सराबे थाने में बंद हुआ, चोरी के मामले में, चोरी के गहने में। ये खुद अपराधी है, ये लसूड़, ये आज भी इसके पास कम से कम 15-20 गाड़ियां हैं लोगों की, अवैध रूप से इसने गाड़ियां रख रखी है उनके, और उनके साथ ये ना जाने क्या कर रहा है भाई उनके। आप लोग देखे इसका, आप जाइए, मैं बता रहा हूँ ये कौन सा थाना, कनाड़िया, कनाड़िया थाने में इसके खिलाफ प्रकरण है। एक कोई शर्मा मैडम है, उन्होंने आवेदन दे रखा है और उसमें मैं इसको ले गया कि आपने इनके ऊपर हमला करवाया। भैया मैं क्यों हमला करवाऊंगा, मैं हमला करवाता एक साल पहले करवाता, जो हकीकत घटना है आप लोगों को नहीं मालूम है, वो पारिवारिक बात में मैं नहीं बता सकता आपको। और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्या एक्शन लोगे आप पूरे घटनाक्रम के, भाई सच्चाई में मुस्लिम रंग भी दिया जा रहा है। अरे हिंदू मुस्लिम मैं जो दे रहा है, जो मंच इसको हिंदू मुस्लिम दे रहा है, मेरा निवेदन है कि आप तथ्यों की जांच करें। ये ब्याज बट्टे पे 20% में हिंदू मुसलमानों को पैसा देता है और उनसे अवैध वसूली का पैसा देता है, ये है कि इसका दोस्त है सराफे में। ये ना तो सराफे का कोई व्यापारी है ना कोई ये है, ये विश्व हिंदू परिषद और इसको आज तक ये विश्व हिंदू परिषद तो या कोई हिंदू जागरण मंच है, मैं उनसे निवेदन कर रहा कि आप लोगों के कब हिंदुओं के मामले में आया, आज जब इसने गलत अपनी गलती को छुपाने के लिए आप लोगों का सहारा ले रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हिंदू मंच से मैं इनका अनुरोध कर रहा कि आप तथ्यों की जांच करें, मेरे पास आए, मैं आपको वो प्रमाण दूंगा।